सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वर्सेस वीडियो लेके आई हूँ जो कि है कंपैरिजन बिटवीन लॉरियल ऑयल इन क्रीम एंड पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट के बीच। देखते हैं आज यहाँ पर कौन जीतता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो दोनों ही ट्यूब फॉर्म में आते हैं, दोनों का ही कलर गोल्डन है, बट लॉरियल वाले का जो कलर है कैप का वो ब्लैक है, वहीं पर ये पैंटीन वाले का गोल्डन कलर का है। तो दोनों ही ट्रेवल फ्रेंडली है, बट इतना भी नहीं, कभी कभी ये स्क्वीज होके बाहर भी लीक हो जाते हैं। तो पैकेजिंग के मामले में तो दोनों सेम है। सेकेंड बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो लॉरियल 80 रुपीज में 100 ml आता है, वहीं पे पैंटीन जो है वो 85 रुपीज में 80 ml आता है। तो ये थोड़ा सा महंगा है, पर ये जो मेरे पास ट्यूब है ये 180 ml का है और ये मुझे 98 रुपीज में मिला था, नाइका से मैंने परचेज किया था। बहुत ग्रेट डिस्काउंट्स रहते हैं वहां पे, पर इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो 150 रुपीज है। अब इसकी तीसरी बात कर लेते हैं यूसेज की। तो लॉरियल में तीन यूसेज लिखे हुए हैं, ओवरनाइट, बिफोर वॉश एंड आफ्टर वॉश। यानी ओवरनाइट का मतलब है कि हम इसे मसाज करके रात भर रख देंगे, सुबह उठेंगे शैम्पू कर लेंगे। बिफोर वॉश का है मतलब कि 30 मिनट पहले शैम्पू करने से इसे लगाएंगे बालों पर और फिर रिंस ऑफ कर देंगे। और आफ्टर वॉश का मतलब है कि हम शैम्पू करने के बाद इसे लगाएंगे और बालों पे और छोड़ देंगे, रिंस ऑफ नहीं करेंगे। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, मतलब हम इसे तीन तरीके से यूज करते हैं, एज अ मास्क, एज अ प्री कंडीशनर एंड आफ्टर कंडीशनर। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट हुआ। वहीं पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कैसे यूज करना है, तीन तरीके से या एक तरीके से। सिर्फ एक ही तरीका लिखा हुआ है पैंटीन में कि हम इसे लेंथ में लगाएंगे और इसे रिंस ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका जो थर्ड वाला जो मेथड है वो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है। वैसे यूज तो हम इसे भी तीन तरीके से कर सकते हैं, बट इसमें लिखा नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के टेक्सचर और फ्रेग्रेंस के बारे में। तो दोनों ही क्रीम है तो क्रीमी टेक्सचर होगा, इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं, पर फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि लॉरियल वाला कितने जल्दी से निकल गया था और पैंटीन वाला थोड़ा सा थिक है। मैंने बिल्कुल सही कहा था, देखिए लॉरियल वाला कितनी जल्दी ग्लाइड हो गया स्किन पे, और वहीं पर ये जो पैंटीन वाला है ये थोड़ा थिक है, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक है। तो ये जल्दी बालों में लग जाएगा और ये थोड़ा सा आपको हाथों पे थोड़ा वार्म करके और फिर लगाना होगा। दोनों की खुशबू सिमिलर है, क्रीमी क्रीमी, ज्यादा स्ट्रांग फ्रेग्रेंस नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ये इसकी फ्रेग्रेंस आधे घंटे में निकल जाएगी बालों से। टाइम आ गया है दोनों को अप्लाई करके देखने का। एक तरफ मैं लॉरियल का लगाऊंगी और दूसरी तरफ मैं पैंटीन का ऑयल रिप्लेसमेंट लगा के देखूंगी कि दोनों कैसा वर्क करता है। शैम्पू करने के बाद दोनों को लगाने पर ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है, इसलिए मैंने उसका कोई कंपेरिजन नहीं दिखाया है। ये मेरे बाल 2 दिन पहले के शैम्पू किए हुए हैं, फिजी हो चुके हैं एकदम से, अभी इनको नरिशमेंट चाहिए। तो अभी ये कैसा वर्क करता है ये ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाएगा इन दोनों को। तो चलिए एक तरफ इसे लगाते हैं। मैं हाफ वॉलनट अमाउंट ले लेती हूँ और इसे अपने पाम पे रब करके थ्रू आउट द लेंथ अपने बालों पर अच्छे से लगा लेती हूँ। चलिए ये लग गया। अब मैं दूसरी तरफ पैंटीन का ऑयल रिप्लेसमेंट ले लेती हूँ, ये थोड़ा थिक है, इसे भी अपने हाफ पार्ट में लगा लेती हूँ। मैं ऑलरेडी डैम करके आ चुकी थी, अपने बालों को गीला कर लिया था मैंने। दोनों एक से फील हो रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है आधे घंटे बाद, थोड़े से जो बाल ड्राई हो जाए। मेरे बालों में अच्छे से दोनों क्रीम अब्सॉर्ब हो चुके हैं, मेरे बाल सूख भी गए हैं। इधर जिधर मैंने पैंटीन का लगाया था ऑयल रिप्लेसमेंट, ये मुझे थोड़ा सा ग्रीसी, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा फील हो रहा है, जबकि इधर जिधर मैंने लॉरियल का लगाया था इधर बहुत ही नेचुरल सा फील हो रहा है, कोई भी स्टिकीनेस ग्रीसीनेस नहीं फील हो रहा है। तो मेरे तरफ से तो लॉरियल वाले को ये और इधर थोड़ा, बिकॉज स्टिकीनेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बालों में। अगर कुछ भी मेरे बाल को जो स्टिकी बनाता है
तो उसे मैं प्रिफर नहीं करती। मैं फालतू का ही इतना बड़ा सा डब्बा खरीद लिया यार। मैंने बहुत इसके बारे में रिव्यूज सुने थे कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैंने बहुत बड़ा डब्बा खरीद लिया था। अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसका बड़ा डब्बा क्यों नहीं खरीदा। तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ऑयली हैं तो मैं थोड़ा स्टिकनेस थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। जिनके बाल ड्राई हैं उनके लिए तो ये अच्छा वर्क करेगा, नो डाउट। और आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको ऐसा कोई भी कंपैरिजन वीडियो या किसी का कुछ भी रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों मेरा आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप तो बनता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको देते रहूँगी, बनाते रहूँगी मैं आपके लिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो इसलिए मैं ये करना तो बंद नहीं कर सकती, तो मेरा सपना है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए।